रात के 1:30 बजे जब पूरे उज्जैन में सन्नाटा पसरा हुआ था, तब पुराने शहर का एक हिस्सा गोलियों की आवाज से गूंज रहा था। आपस में हुआ विवाद गैंगवॉर में तब्दील हो गया और 19 वर्ष की अल्प आयु वाले शहर के कुख्यात बदमाश दुर्लभ कश्यप का अंत हो गया। थाना जिबाजीगंज क्षेत्र के हमालवाड़ी में देर रात पुलिस को झगड़े की खबर मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने देखा तो पता चला कि फेसबुक गैंग का सरगना दुर्लभ कश्यप की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई है। वहीं एक अन्य शाहनवाज नामक युवक को गोली लगने की बात भी सामने आई है, जिसको इंदौर रेफर किया गया है। सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से अपराध को बढ़ावा देकर फेसबुक पर अपराध के दाम तय कर कम उम्र और नाबालिग लड़कों की भर्ती करने वाला कुख्यात अपराधी दुर्लभ कश्यप की देर रात हत्या कर दी गई। संभवतः हमालवाड़ी क्षेत्र में किसी बात पर गैंग वॉर हुई, जिसमें दुर्लभ कश्यप गैंग सरगना दुर्लभ की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। वहीं दूसरे पक्ष के शाहनवाज नाम के लड़के को गोली भी लगी, जिसकी हालत भी नाजुक बनी हुई है, जिसको इंदौर रेफर कर दिया गया है। पुलिस की माने तो दुर्लभ पर हत्या का प्रयास, लूट, चोरी सहित कई मामले दर्ज हैं और वो कई बार जेल की हवा भी खा चुका है। लेकिन सबसे पहले वो तब सामने आया जब उसने फेसबुक पर अपनी गैंग संचालित की और कम उम्र के लड़कों की भर्ती कर अपराध को अंजाम देने लगा। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि देर रात गैंग वॉर हुआ या किसी अन्य बात पर झगड़े को लेकर दुर्लभ की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि दुर्लभ की माँ उज्जैन के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। लगभग 1:45 बजे की बात होगी, 1:30 से 1:45 की। थाने पर सिर्फ इतनी सूचना आई थी कि कोई झगड़ा हुआ है, तो रात्रि गश्त में सब इंस्पेक्टर भदौरिया जो इंचार्ज हैं वो थे, वो कोर्स लेके गए। वहाँ एक डेड बॉडी मिली है जो किसी दुर्लभ कश्यप की होना मालूम पड़ी है, और यदि वो सही है तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है हमारे यहाँ। अब किस बात पर से झगड़ा हुआ एग्जैक्टली, ये कारण अभी सामने नहीं आया है। मैं स्वयं भी मौके पर गया था और हमारे सीनियर अफसर भी गए थे, तो हम उन सब तथ्यों को वेरीफाई कर रहे हैं। उसमें एक गोली भी चली है जो सामने वाले पक्ष के किसी व्यक्ति को लगी है, शहनवाज नाम है उसका, और गोली संभवतः उसके गले में लगी है, उसको इंदौर रेफर किया है। इस तरह से सिर्फ एक आदमी घायल हुआ है और एक की मौत हुई है। फिलहाल इतने ही तथ्य सामने आए हैं।